नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान के रूप में मौजूद हैं देवदत्त पटनायक जी। यह पूर्वजों को याद करने का महीना है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमारे करीब होते हैं। किसी न किसी रूप में वे हमारी श्रद्धा को, उनके प्रति हमारे जुड़ाव को महसूस करते हैं और इसीलिए हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना को कई तरह की परंपराओं, रीति रिवाजों, खान पान, विचार व्यवहार में याद करते हैं और बरतते हैं। खास बात यह कि इस मौके पर देवदत्त पटनायक जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आई है जिसका नाम है गरुड़ पुराण एंड अदर हिंदू आइडियाज ऑन डेथ, रीबर्थ एंड इमोर्टैलिटी, यानी गरुड़ पुराण और हिंदू विचार, वे दूसरे हिंदू विचार किस पर, मृत्यु, पुनर्जन्म और अमरता पर। देवदत्त जी, आप हमेशा पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपकी इस पुस्तक के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम शब्दरथी में। आपसे जब भी मैं बात करता हूँ साहित्य तक पर, हमेशा खुशी महसूस करता हूँ और हमारे श्रोता भी आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में जब श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आपने ऐसे विषय को उठाया जो मृत्यु, पुनर्जन्म और अमरता से संबंधित। आप हमेशा पुराणों की बात करते हैं, हिंदू धर्म में जो व्याख्याएं हैं उनकी बात करते हैं, देवताओं की बात करते हैं। आपको यह कैसे विचार आया दिमाग में कि मैं गरुड़ पुराण पे उस पुराण से संबंधित बातचीत को लोगों के सामने रखूं जो मृत्यु से संबंधित है और अमूमन जिसका पाठ मरने के बाद जो 13 दिन का जो कर्म है, हालांकि आपने इस पुस्तक को, मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं, मैंने इसको पढ़ा है और मैंने बहुत विशद रूप में ये पाया कि आपने हर धर्म में जो मृत्यु की परंपरा है उनका भी जिक्र किया है, यहाँ तक कि हिंदुओं में जो जातियां और उपजातियां हैं उनमें भी किस तरह के संस्कार हैं उनकी भी बात की है। तो पहले इस पुस्तक का जो विचार आपके दिमाग में आए और क्या उद्देश्य था, क्यों आपने गरुड़ पुराण को बहुत इतना ढंग से आपने निचोड़ा है, मैं कहूंगा कि उसका सार प्रस्तुत किया है, उसके बारे में। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो गरुड़ पुराण तब पढ़ते हैं या सुनते हैं जब घर में मृत्यु हुई हो जी। और अगर आप वो पाठ पढ़े तो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। वैतरणी का डिस्क्रिप्शन है, जंगलों का डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही दुखद यात्रा का डिस्कशन है यमलोक के बारे में, चित्रगुप्त के बारे में, तो ये नरकों के बारे में, अलग अलग प्रकार के, तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और उन्हें लगता है क्या हो रहा है, हमने कभी ये सुना नहीं है, मेरी जिंदगी में पहली बार हम सुन रहे हैं। तो ऐसे मेरे कई मित्र थे जिन्होंने कहा कि देवदत्त, हमने ये पढ़ा, ये क्या सच है, झूठ है, ये सब उन्होंने विचार किया। तो मैंने देखा कि मार्केट में जब मैं किताबों की दुनिया में जाता हूँ तो इसके ऊपर लोग हमेशा रामायण महाभारत उधर ही अटके हुए हैं और बाकी जो इतने विचार हैं हमारे शास्त्रों में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और इसलिए मैंने ऐसे कई किताबें लिखी हैं, जैसे गीता तो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन हनुमान चालीसा, मैंने कहा कि हनुमान चालीसा के माध्यम से हम, क्योंकि ये कॉमन लोगों तक पहुंचता है, वैसे ही मैंने देखा कि गरुड़ पुराण कई लोगों तक पहुंचता है बट ओनली ड्यूरिंग फ्यूनरल, जब किसी का देहांत होता है। तो इस इस जो ग्रंथ है इसको मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ और जब मैंने ग्रंथ का रिसर्च किया मैंने पाया कि इसकी भी एक इतिहास है, बहुत ही लंबी इतिहास है, इसमें कई विचार हैं जो लोगों को पसंद आएगा। तो ये आइडिया आया था वेस्टलैंड के पब्लिशर से, विधि से, कि आप ऐसी किताब लिखिए, बहुत लोगों की ऐसे कुछ लिखा नहीं है मार्केट में, कोई
ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और उन्होंने मेरे ट्वीट देखे थे जहां पे मैंने कहा कि ये रेस्ट इन पीस, जब किसी की देहांत हो जाती है लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस, फिर कोई लोग कहेंगे कि ओम शांति, ऐसे ये सब मैंने कभी सुना नहीं है दुनिया में, कभी भारत में मैंने नहीं सुना है कोई कहता है रेस्ट इन पीस। हम आत्मा को शांति मिले कहते हैं, ये ओम शांति कहाँ से आ गया है? हम ऐसे नए नए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कि जब मेरे पिताजी के अंतम अंत्येष्टि हुआ था और मुझे क्रिया करने पड़े, तो हमेशा हमको कहा गया कि याद मत रखो, पीछे रखो उनको, जो हम क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करते हैं उसको उल्टी प्रदक्षिणा करेंगे, हर चीज को उल्टे करते हैं। तो ये मुझे कुछ लगा कि यहाँ भाषा में एक अंतर है, तो मुझे भी इंटरेस्ट था इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन फिर कोरोना आ गया और कोरोना के बीच में लोगों का मूड इतना नेगेटिव था, मेरा भी मूड नेगेटिव था, सेकेंड वेव में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, टीवी में ऐसे आने लगे स्मशान भूमि की स्टोरीज आने लगे, बेरियल्स जो गंगा घाटी में लोगों के डेड बॉडीज बेरी किए गए थे उनके बारे में, दफनाए गए थे उनकी स्टोरीज निकलने लगी, और फिर लोगों ने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है कि आप स्मशान भूमि में कैमरा लेके जा रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही थी, मैंने कहा कि ये कोई भी कुछ भी बोल रहा है बिना कुछ पढ़े। तो मैंने कहा कि ये एक विषय करूंगा, लेकिन मैं वेट किया जब तक कोरोना खत्म हुआ, फिर मैंने, मेरा रिसर्च हो रहा था, फिर मैंने ये किताब लिखी जहाँ पे जो कथाएं हैं, सो एक आख्यान होता है और उसके साथ एक कर्मकांड होता है, उसके साथ ज्ञानकांड होता है, उसके साथ व्याख्यान होता है, तो हर चीज का बहुत डिटेल होता है, लेकिन वो स्कैटर्ड होता है हमारे शास्त्रों में, और ज्यादातर ब्राह्मणों को भी पूछो तो उनको कुछ पता नहीं, उन्हें क्रिया करना आता है, लेकिन अगर आप पूछो कि क्यों कर रहे हो, वो बोलते कि हमको ये सिखाया नहीं गया था, हमको कहा था ऐसे ऐसे करो। तो मेरे बहुत ही, आपने देखा अगर मैंने एक्नॉलेजमेंट्स में, मेरे एक मित्र है पुणे में जो उनको क्रियाओं के बारे में, वो करते हैं पुणे में, वो पंडित हैं, वो क्रिया करते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रिया करते हैं, उनको सब पता है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको पता है क्या करना चाहिए, विधि क्या है, अनुष्ठान क्या है, पद्धति क्या है, लेकिन इसके पीछे विचार नहीं जानते। इसलिए वो भी, उनको भी मेरा किताब बहुत पसंद है, मुझसे बात हम करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उन्हें पसंद है कि मैं ऐसे इंटेलेक्चुअलाइज करके लोगों तक ये पहुंचाता हूँ ये बातें। तो फिर ये किताब मैंने जब लिखी तो उनको एक्नॉलेज किया, उनको कॉपी भी भेजा, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा है पढ़ के, और मैंने ब्रीफ रखा है, बहुत डिटेल में नहीं किया है, क्योंकि गरुड़ पुराण में तो बड़ी बड़ी वो इतने डिस्क्रिप्शन जाता है, 25 पेज 30 पेज, आजकल के जमाने के लड़कों को किसी को पढ़ना नहीं है 30 पेज, उसको एक टेबल बना लिया। एक मिनट, मैं देवदत्त से ये जानना चाहूंगा कि जब आप तो देखिए, आपने, आपके कार्यक्रम भी हमने देखे हैं, पहले भी हमने बात की है, और आपकी बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं, सोशल मीडिया पे भी मैं आपको जानता रहता हूँ। हमारी एक दूसरे को जानने की जो पद्धति है वो जरूरी नहीं है कि हमारे आम जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको भी पता हो। तो मैं ये जो भी सवाल आज पूछ रहा हूँ वो ये मान के चलिए कि मैं एक पाठक, आपकी किताब का पाठक है, या जिसको गरुड़ पुराण के बारे में जानने की जो इच्छा है। इस पुराण के साथ साथ आपने दो तीन बातें साथ में लिखी। आपने एक कहा है कि जो हिंदू विचार हैं जन्म पे, मृत्यु पे और पुनर्जन्म पे और अमरता पे, आपने इसकी बात की है, और किताब में बहुत विस्तार से उन बातों को रखा है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण को जब आपने पढ़ा, आपने ये भी लिखा है कि महाभारत काल में संस्कारों की बात उठी थी महाभारत के समय में, और गरुड़ पुराण बहुत पुरातन व्यवस्था का हिस्सा शायद नहीं है, बाद में उसमें जो कर्मकांड जोड़े गए, एक तो ये कि आत्मा और मृत्यु का जो विचार है पूरी दुनिया में, और आत्मा की अमरता का जो विचार है, एक सवाल उठता है गरुड़ पुराण को सुनने पर या हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर, कि अगर आत्मा अजर और अमर है और शरीर ही दुख का माध्यम या सुख का माध्यम है, तो जब शरीर से आत्मा छूट गई तो फिर उसको दुख और सुख कैसे होगा? तो क्या होता है कि अभी इसके लिए वो जिसको कहेंगे आध्यात्मिक आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा जी। तो एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है। शरीर को देह हम कहते हैं, आत्मा को हम देही कहते हैं, जो आत्मा के भीतर। अभी ये लोगों का विश्वास है, ये इसको हमें वैज्ञानिक रूप से नहीं देखना चाहिए, हमें इसे आध्यात्मिक रूप से देखना चाहिए, विश्वास की सच्चाई। तो
जब हमारी जीवन में हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ, तो हम कर्म कर रहे हैं। जब कर्म कर रहे हैं तो ऋणी हो रहे हैं, तो ऋण हो रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ संसार से लेते हैं तो हमें हम ऋणी बन जाते हैं, और जब हम संसार को कुछ देते हैं तो हम उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक लेखा जोखा होता रहता है, एक बैलेंस शीट बनता रहता है। जब हम मरते हैं तो वो ऋण कहाँ जाएगा, क्योंकि हमने इतनी चीजें ली है दुनिया से, एक पूरी ऋण बैठी हुई हमारे ऊपर। हम अगर हम ऋण से मुक्त हैं या नहीं है, अगर ऋण है तो ये ऋण आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और तब वो आत्मा जो हम कहते हैं कि उसे ना सुख है ना दुख है, ये जो आत्मा का डिस्क्रिप्शन है वो वह आत्मा है जिसको ऋण नहीं है। तो ऋण, वो मोक्ष जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो ऋण से जुड़ा हुआ है। वेरी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो हम याद सोचते नहीं है कि एक बैलेंस शीट होता है। वो जब तक बैलेंस शीट में ऋण होगा तब तक आत्मा बंधा रहेगा इस जीवन के साथ, ये मटेरियल वर्ल्ड के साथ, इस प्रकृति के साथ, और इसलिए वो पकड़ा गया है, उसे वो मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी तक ऋणी है। इसलिए उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता है, और इसलिए जो मृतक शरीर के जो प्रेत होता है, वो प्रेत अटका हुआ है और कह रहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष कैसे मिलेगा? आपको कर्म करने हैं जहां पे आप ऋण से मुक्त हो सकते हो। कर्म करने के लिए मुझे शरीर चाहिए, शरीर के लिए किसी को विवाह करना पड़ेगा, बच्चे का जन्म करना पड़ेगा, तो कहां मिलेगा? तो मुझे जीवित लोगों के साथ बात करना पड़ेगा। कब मैं बात कर सकूं? पितृपक्ष में बात करूंगा, उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं, तुम्हारा जन्म मेरे वजह से हुआ है, लेकिन मेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम मुझे इस दुनिया में, इस भूलोक में, पितृलोक से वापस लेके नहीं आते हो। तो पितृपक्ष का एक कनेक्शन है लाइफ, डेथ, ये सब, ये जो कॉस्मोगनी जिसे इंग्लिश में कहेंगे, पूरा जो ब्रह्मांड का जो आर्किटेक्चर है वो सब जुड़ा हुआ है गरुड़ पुराण में। वो क्लियरली नहीं मिलता है, जब आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे वो इतना डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं कि वो ये सब नहीं समझाते हैं, कि उनको लगता है कि आपको ये पता है ये सब, पुनर्जन्म की बातें, शरीर की बातें, ऋण की बातें, देह की बातें। तो मैं उस हर चीज को वेरी सिस्टमैटिकली लिखता हूं कि देखो इसका मतलब ये है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में, ऐसे नहीं कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाए कि आपको समझ में नहीं आए, सिंपल है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। मैं आपने इस किताब में पूरी एक व्यवस्था बताई है कि किस काल में और किस धर्म में किस तरह के संस्कार आत्माओं को लेकर और मृत्यु को लेकर, मतलब आत्माओं को लेकर क्या विचार हैं, मृत्यु के बाद किस तरह की परंपराएं व्याप्त रही हैं हड़प्पा काल से लेके आज तक जो चल रहा है, आपने सभी की बात की है, यहाँ तक कि ईसाई धर्म में किस तरह से है, इस्लाम में किस तरह से है, इतिहास की बात, जब आप पुराने समय में जाते हैं तो उनके बारे में भी बात करते हैं। मुझे जो लगता है कि गरुड़ पुराण में या जो हमारे पौराणिक आख्यान है, जिनकी बात बार बार आप भी अपनी बातों में कहते हो, जब भी आप किसी पुराण ग्रंथ और देवता की बात करते हो तो कोई ना कोई संदेश देने का प्रयास करते हो कि मानवता किस तरह से उससे लाभान्वित। मैं ये जानना चाहूंगा कि जन्म के समय में जिन संस्कार, जिन कर्तव्यों की आपने बात की है, पूर्वजों के ऋण से अलग इस शरीर के ऋण पर, उस पर व्यक्ति जो है वह आज के समय में ऐसा क्या करे कि उसका पुनर्जन्म अगर है तो गरुड़ पुराण के, यानी इस पुस्तक के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, हम लोगों के आपसी विचार की बात नहीं, इस पुस्तक को पढ़ के जो व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह का कर्म करे कि वह या तो अमरता को प्राप्त हो विचारों के आधार पर, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वो खत्म हो जाना है, पुराण भी वही बात करता है, और आपने बाकायदा इस पर लिखा है कि पृथ्वी पर जिसको भी आना है वो जाना ही है, तो क्या करे, क्या संदेश है इस किताब का भी और आपका भी?
तो शास्त्रों में बहुत ही सिंपल है कि दान से मोक्ष प्राप्त होता है, और दान करने के लिए अपरिग्रहता होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास धन धान्य संपत्ति आती है उससे आपको लगाव नहीं होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना भी। लोग ये जो विचार लिखना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है कि ये इसको आपके पास सैलरी आता है, और ये मैं लेक्चर्स देता हूँ, मैं बहुत ही मार्केटिंग के लेक्चर्स करता हूँ, बिजनेस लेक्चर्स करता हूँ, तो मैं हमेशा, और मैं बहुत ही अमीर और ये पॉलिटिशियन से बात करता हूँ, उनको देख उनके बड़े बड़े घर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सबसे कठिन बात दुनिया में दान देना है। दान इज नॉट पैसे चेक लिख के मैंने आपकी चैरिटी में पैसे दे दिए, सिंपल चीज है किसी को अच्छे शब्दों का दान देना, जिस किसी को प्रेज करना, किसी का अच्छाई करना। बुराई करना कितना आसान है, ट्विटर में जाइए बुराई शुरू हो गई, जितना बुराई करोगे उतना ऋणी बनते रहोगे, जितना अच्छाई करोगे उतना ऋण से मुक्त होते रहोगे, जितना दान देते रहोगे, जितना देते रहोगे तब तक मुक्त, तभी आप ऋण से मुक्त होते हो। आप कोई भी रिलेशनशिप में देके जाइए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट के रिलेशनशिप, नेता के साथ रिलेशनशिप, कौन ले रहा है कौन दे रहा है, हर रिलेशनशिप में लेन देन होता रहता है, लेन देन ही यज्ञ है। यज्ञ में यजुर्वेद में बहुत क्लियरली कहा गया है कि देही मा ददामिते, मुझे वो दो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो इट डिपेंड्स ऑन मैंने दिया क्या है कि मुझे मोक्ष मिले, तुमने क्या दिया कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो ये जो लेन देन की बातें हैं जो बहुत ही वाणिज्य लगता है, इट लुक्स कमर्शियल लगता है, लेकिन ये भारतीय परंपरा का बेसिक रिलेशनशिप है। हर चीज में लेन देन होता है, ऋण होता है, और दैट इज द इंडियन थॉट। अगर आप पूछेंगे मैसेज क्या है, जेनरोसिटी, कृतज्ञता नहीं, लोग आजकल बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं, और ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं, एक्शन चाहिए कि भैया आप कितना दे रहे हो दुनिया को। और ये यज्ञ में, परंपरा में, यजुर्वेद में, कर्मकांड में, ये बातें 19वीं शताब्दी से मैंने देखा कोई नहीं बात करता है। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो वेदों के ऊपर लिखते हैं, उपनिषद के ऊपर लिखते हैं, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर लिखते हैं, लेकिन वो कभी दान दक्षिणा के बारे में बात ही नहीं करते। और वेदों में ओनली टॉपिक इज दान दक्षिणा, दान दक्षिणा, दान दक्षिणा, और कुछ नहीं बात करते हैं। और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये ब्राह्मणों के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए है। ये यही मैं इसी विषय पर आ रहा था कि अमूमन एक सामान्य धारणा है कि दान का मतलब ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था बना रखी है कि उनको अर्जित करना चाहिए और दान में दीजिए। अभी आपने कहा कि नहीं, हम अपने कर्म से, अपने विचार से अगर हम कुछ किसी को अच्छे बोल भी बोल देते हैं तो वह भी एक दान का हिस्सा है, अच्छे शब्द भी बोल देते हैं तो वह भी एक दान का हिस्सा है कि हम किसी को इनकरेज कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि मृत्यु निश्चित है या सभी जानते हैं, यक्ष प्रश्न भी था, आपने अपनी पुस्तक में भी इस बात को का उल्लेख किया है, और पूरे विस्तार से 10 अध्याय जो हैं उनमें या तो मृत्यु के बाद की चीजें हैं या मृत्यु से जुड़ी हुई तैयारियों की बात है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि मृत्यु को लेके जो इतनी भयावह धारणा है, और आपने उसका बहुत विस्तार से जिक्र भी किया है, आप यह भी कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग कोई अस्थाई व्यवस्था नहीं है, कि एकदम परमानेंट है, कि कोई स्वर्ग चला गया तो परमानेंट स्वर्ग में ही है, कोई नर्क चला गया तो परमानेंट नर्क में ही है, और पुनर्जन्म की। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में जरा बताएं कि मृत्यु से इतना भय खाने की आवश्यकता, हालांकि मृत्यु को आपने बहुत विस्तार से डिस्क्राइब किया है, 10वां अध्याय फेसिंग डेथ था आपका जो आपने लिखा है, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों के मन में एक भय जो है, दोनों दो चीजें हैं, हमारे अपने जब जाते हैं या कोई भी मृत्यु निश्चित है तो वृद्धावस्था में जाता है, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको लेके जो दुख है। आज जब हम लोग यह बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत एक नामी गिरामी कॉमेडियन का देहांत हुआ है, तो लोग या तो बहुत ज्यादा शोक में हो जाते हैं या बहुत भूल जाते हैं, आलोचना करते हैं या प्रशंसा करते हैं,
मृत्यु और खुद के ऊपर आने हो आना होता है तो लोग समझते हैं कि अरे ये पता नहीं क्या घट गया। आप देखिए रूप में देखते हैं, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में। देखिए जब हम रामायण पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि रामायण कथा मुझे पता है, तो मैं हमेशा उनको पूछता बताइए राम का देहांत कैसे हुआ, और वो बोलते नहीं, वो चुप बैठ जाते हैं। ने टीवी में नहीं दिखाया, सिर्फ टीवी में भी दिखाया है लेकिन आपने नहीं देखा है। तो फिर बोलते हैं कि कृष्ण का देहांत कैसे हुआ, सर ऐसे बातें नहीं करते, वो तो भगवान है। तो वो इमीडिएटली टाल देंगे बात को, वो या जोर से यू नो कहेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो देवताओं के बारे में। तो ऐसे नहीं, वो अवतार है, जो अवतार लेता है वो गर्भ से उसका जन्म होता है, अगर गर्भ से जन्म होता है तो मृत्यु लोक में आया है, यानी कि मृत्यु का अनुभव करेगा। राम की रामायण राम की कथा है जन्म से मृत्यु तक, महाभारत भी कथा है जहां पांडवों का जन्म से मृत्यु तक की कहानी है। ये उनकी प्रशंसा की कहानी नहीं है, उनकी बायोग्राफी है। जब हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो कृष्ण के जन्म से लेके मृत्यु तक, तो मृत्यु की जो बात है ये पार्ट हम कभी बात नहीं करते। शास्त्रों में बहुत ही क्लियर है कि देवताओं को भी मरना है, और वानप्रस्थ की बात होती है, संन्यास, चार आश्रम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, बोलने के लिए तो सबके पास है कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। आप चारों तरफ देखिए, जो भी हिंदू हिंदू कह रहा है, कितने लोग वानप्रस्थ में गए हुए हैं, बुढ़े बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में कि गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह के जैसे बैठे हुए हैं वहां पे। महाभारत में भीष्म पितामह को शरशय्या में रखा गया है कि देखने के लिए कि देखो आपके बिना भी दुनिया आगे बढ़ सकती है, आपकी कोई आवश्यकता नहीं, आप जंगल जाइए। धृतराष्ट्र जंगल जाते हैं, गांधारी जंगल जाती है। ये जो कथा है रामायण में, देखिए दशरथ कहता है कि मेरा पुत्र राजा बनेगा और मैं वनवास जाऊंगा, होता नहीं है, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये जो प्रेपरेशन ऑफ डेथ की जो कहानी है कि देखिए जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम जब करते हैं कि उन्होंने सब राजपाट त्याग कर जैन धर्म अपना के सन्यासी बन के नग्न मतलब दिगंबर बन के वो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक पहुंचते हैं, मतलब सब छोड़ के, मतलब ये छोड़ना मृत्यु के लिए तैयारी होता है कि देखिए आपके बिना दुनिया आगे चलती है, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो विचार है, आप जितने भी बड़े बड़े नेताओं से बात करें, लेखकों से बात करें, सेलिब्रिटी से बात करें, कि मैं हमेशा पूछता हूं कि देखिए दुनिया आपके बिना चलेगी, ये विचार लोगों को डर लगता है कि मेरे बिना दुनिया चल पाएगी। जो जंगल होता है, जंगल में कई पेड़ होते हैं, हर पेड़ का कोई ना कोई मूल्य होता है, औषधि होती है, लेकिन अगर एक पेड़ मर गया, उसमें दीमक लग गया, वो मर गया, काटा गया, जंगल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर पेड़ आवश्यक है। वैसे ही हमारी जिंदगी में हम आवश्यक हैं, लेकिन हमारे बिना दुनिया चलती रहेगी। तो आपके जो गुस्सा, घृणा, संघर्ष, ये अच्छी है आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन दुनिया ऐसे ही रहेगी। अभी ये बातें गरुड़ पुराण में भी है। एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा था गरुड़ पुराण में, और वो सब पॉइंट्स नहीं दिखा सकते हम लोग, लेकिन जो मैंने मुझे एक उसने कहा कि मधु वचन मधु जैसा होता है जो चम्मच के ऊपर रखा जाता है, किसी के जीभ पे भी डाल सकते हो लेकिन चम्मच का कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, उस मधु से चम्मच में कोई फर्क नहीं हुआ है। तो ये हम वो टीचर के बात कर रहे हैं कि टीचर ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक चम्मच के जैसे समझते हैं कि हम ज्ञान दे दिया, लेकिन उस ज्ञान से चम्मच को में कुछ फर्क बदलाव आया है कि नहीं आया है। मैं हमेशा गुरुओं को देखता हूँ, जो बहुत बड़े बड़े फेमस गुरु होते हैं, वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कितना दान देते हैं, सबसे दान लेते हैं, दान खुद नहीं देते हैं। अच्छा, वो दान देना बहुत मुश्किल है। जो दंड की व्यवस्था आपने बताई है इस पुस्तक में, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए गरुड़ पुराण में जो दंड की व्यवस्था है कि यम ले जाता है रास्ते में, आपने उसका भी जिक्र किया है, रास्ते में कोचे जाते हैं। हम लोग छोटे थे तो बाइस्कोप में दिखाता था
वो जलाए जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं। तो ये जो बातें आपको देखेंगे चाइना में भी मिलता है, ये बातें ये बुद्ध धर्म में शुरुआत हुई थी और ये बातें हम देखते हैं 2300 साल पहले, मतलब मौर्य काल के पश्चात ये बातें शुरुआत होती है। जब राज्य साम्राज्य का जन्म होता है तो राजा दंडपति हो जाता है, राजा के हाथ में दंड आ जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट करके हम लोगों को सीधा कर देंगे ये बातें समाज में फैलने लगी। इसके पहले इतना नहीं था, ये राजा दंड यू नो एक दंड नीति से दुनिया को चलाना वो राजा का काम था। धीरे धीरे यमराज को भी दंड धर्माधिपति कहा गया। क्यों धर्माधिपति? क्योंकि वो सबको एक जैसा देखता है, वो किसी को बड़ा छोटा नहीं देखता, वो केवल आपके लेखा जोखा बैलेंस शीट को देखता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है, वो आपको वो नेपोटिज्म नहीं करता, बेसिकली मेरिटोक्रेसी को देखता है, लेकिन वो दंड भी देता है। ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। तो महाभारत में यमराज को हम धर्मराज कहते हैं, धर्मराज धीरे धीरे दंडराज बन जाता है। और ये दंड की बातें हम देखते हैं मनुस्मृति में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है, अग्नि पुराण में मिलता है, तो कई पुराणों में ये बातें मिलती है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। पहले एक नरक होता है, फिर दो नरक, सात नरक, फिर 36 नरक, 21 नरक, 28 नरक, 64 नरक, 199 नरक, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के नरक निकलने लगते हैं। आई थिंक जितने पोएट्री ऐसे आई थिंक कुछ कंपटीशन हुआ होगा जहां पे सभी लोग तुमने अगर 10 नरक नहीं बनाए तो मैं 20 नरक बनाऊंगा, ऐसे करके कई कई नरक के निर्माण किए गए। हमने इसे विचार किया कि अगर तुमने ये किया तो ऐसा होगा, तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया गया। ये सिर्फ हमको ये रियलाइज कराने के लिए कि देखो ये एक मोरालिटी और एथिक्स लाने के लिए। ज्यादातर भारतीय परंपरा में जो उपनिषद है वहां पे मोरालिटी और एथिक्स और सोशल मैटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन गरुड़ पुराण में हम देखते हैं कि सोशल मैटर्स, चोरी मत करो, यू नो मैरिज, अडल्ट्री, ये जो बातें हैं प्रॉपर्टी को लेके जो बातें हैं जो हम मनुस्मृति में देखते हैं, अर्थशास्त्र में देखते हैं, वो पहली बार आध्यात्म की दुनिया में आ जाती है गरुड़ पुराण में। कि अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो इस दुनिया में नहीं तो कोई दूसरे दुनिया में आपको तकलीफ देगी, पर इसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि अगर मैंने नर्क भुगता है तो उसके बाद पुनर्जन्म में क्या होने वाला है, क्योंकि नर्क में अगर मेरे कर्म के मुझे फल मिल चुका है तो अब किस कर्म के आधार पर मुझे नया जन्म मिलने वाला है, ऐसे प्रश्न लोग पूछने लगे। कि देखो अच्छा मेरे पास नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से मैं नर्क चला गया, अभी नर्क खत्म हो गया, उसके बाद क्या वो पाप धुल गए, तो फिर मेरा जिंदगी का क्या होने वाला है? तो ये प्रश्न कोई आंसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये विचार है। एंड ये दंड को इंपॉर्टेंस हम देखते हैं पहली बार भारत में। नॉर्मली ये दंड को इतना इंपॉर्टेंस कभी नहीं दिया गया था इंडियन सोसाइटी में। आप रामायण महाभारत में दंड की बात ज्यादा नहीं हम सुनते हैं, ये पहली बार है दंड की बातें हम जैसे मनुस्मृति में, गरुड़ पुराण में, भागवत पुराण में, कि अगर चोरी करोगे तो तुम्हारा ये होगा, अगर तुमने किसी को बेइज्जत किया है तो तुम्हारा जीभ काटा जाएगा, तुम्हारी आंख काटी जाएगी, तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। बहुत ही भयानक डिस्क्रिप्शन है, ये चाइनीज कल्चर में मिलता है। आपने पिंड दान की भी बात की है और ये कहा है कि महाभारत काल में के बाद जो है लगभग ये परंपरा आई, और आप ये भी कहते हैं अपनी किताब में कि संभवतः 3 जन्मों तक, इसीलिए पूर्वजों को जो चढ़ाया जाता है वो 3 जन्म के पहले का, मतलब 3 पूर्वजों से पहले के लोग शायद जन्म ले चुके होते हैं इसलिए वो ग्रहण नहीं करते। पिंडदान वगैरह का जो संस्कार है मृत्यु बाद का और जो लगातार चलता है, श्राद्ध का आपने पूरे विस्तार से जिक्र किया है कि कितने तरह के श्राद्ध होते हैं, धर्मस्थलों पर होते हैं, 4 दिन पे होते हैं, 13 दिन पे होते हैं, 11वें दिन क्या होता है, 10वें दिन क्या होता है पुराण के हवाले से, इनमें आपका विश्वास कितना है? देखिए मैं एक मिथोलॉजिस्ट हूं, यानी कि आख्यान शास्त्री, तो ये सब विश्वास वाले सच है। सब चीज विश्वास जिसका है उसका सच है, मैं उसका पढ़ाई करता हूं। ये सच है झूठ है, ये मेरे विचार क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फिर राजनीति में हम घुस जाएंगे। वो राजनीति जो राजनेता है वो तो सरस्वती के स्पेशल चिल्ड्रन है, तो उनके पास जाना चाहिए, बिकॉज सच और झूठ बातें आते ही वहां पे
एक न्यायाधीश आ जाता है, जब न्यायाधीश आता तो उसके साथ राजनीति आ जाती है। तो पूरी दुनिया में, भारत में भगवान को भी हम न्यायाधीश का रूप नहीं देते, क्योंकि आध्यात्म में राजनीति नहीं होती। तो इसलिए ये क्या सच है, क्या झूठ है, सही है, वो देखिए, जब हम वैदिक काल में देखते हैं तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि केवल सिंपल रिचुअल था। दक्षिण के दिशा में जब आप देवताओं को पूरब के दिशा में जाके उन्हें आवाहन करो और उन्हें आहुति दो, और जब दक्षिण के दिशा में देखो तो पितरों का आवाहन करो और उन्हें दक्षिणा दो, उन्हें पिंडदान दो। तो ये सिंपल था, सिर्फ खाना हर महीने पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, वो दक्षिण के दिशा में देके तर्पण करते थे। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस था। धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस बढ़ने लगे, नए नए रिचुअल्स आने लगे। ये जो तीर्थ श्राद्ध का कॉन्सेप्ट तीर्थ स्थल के जन्म के बाद ही हुआ है। अभी तीर्थ स्थान हमको लगता है कि हजार हजार साल पहले तीर्थ होते थे। जब हम देखते हैं कि जैसे मनुस्मृति में, धर्मशास्त्रों में तीर्थ स्थल का कोई जिक्र नहीं है। ये निबंध जो होते हैं, धर्मशास्त्र के जो निबंध हैं, जो 10वीं शताब्दी में लिखे गए, तब से तीर्थों के बारे में, तीर्थ शास्त्रों के बारे में ज्यादा बताया गया। आदि शंकराचार्य तीर्थ के बारे में पहली बार बताते हैं 8वीं शताब्दी में। तब ये हम देखते हैं कि तीर्थ स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और तीर्थ स्थल में जाके श्राद्ध करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है। हम ये कहानी सुनते हैं कि ये स्थल में राम जी आए थे, यहाँ पे उन्होंने श्राद्ध किया था। राम का अपने पिता के लिए श्राद्ध करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो हम सुनते हैं चारों तरफ। भाष भी लिखते हैं 2000 साल पहले नाटकों में, प्रतिमा नाटक में, और वो जो, लेकिन जो दान देते हैं पूर्वजों का, वो हमेशा जो आजकल का पिंड है जहाँ पे चावल होता है, तिल होता है, केवल वो नहीं था, मांस भी होता था। अब ये लोग सुन के बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे, तो इसलिए बोलना नहीं, हम मैंने थोड़ा ही लिख लिया है। मैं बोला क्यों लोगों को तकलीफ दूं, क्योंकि सत्य लोग नहीं समझ पाएंगे, उनको बहुत एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये सब बातें। लेकिन शास्त्रों में हर प्रकार के मांस के बारे में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अभी आपको, आप बोलोगे कि वो रूपक है, सच है, झूठ है, किसको पता, वो राजनीति की दुनिया है। अब हम जी, हम इस पुस्तक का जो आखिरी अध्याय है, एंडिंग डेथ जी, और जो हम कवर पे भी कहते हैं अमरता की जो बात है, एंडिंग डेथ है क्या? तो देखिए, पास्ट जो मिडल ईस्ट के परंपरा है, जो अरबी परंपरा है, फारसी परंपरा है, यहूदी परंपरा है, क्रिश्चियन ईसाई धर्म, इस्लाम, वहां पे ये विश्वास है कि आपकी एक ही जिंदगी होती है। ये एक जिंदगी में आप भगवान के जो पैगाम है उसके हिसाब से अगर रहो तो ये हलाल है, अगर पैगाम को तुमने नकार दिया तो वो हराम है। अगर आप हलाल के जीवन रहोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, हराम की जिंदगी रहो तो फिर आपको जनक, ये जहन्नुम में जाओगे। और ये डिसीशन कौन लेता है? वो भगवान खुद लेंगे, अल्लाह ताला लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है न्याय का, न्यायाधीश का, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक ही जिंदगी होता है। भारत में पुनर्जन्म की विश्वास है, पुनर्जन्म यानी कि लाइफ चलता रहता है, एक जिंदगी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, आपको ऋण से मुक्ति प्राप्त करना है। जिस, तो एंडिंग डेथ का मतलब है जिस दिन ऋण से आपने मृत्यु प्राप्त कर ली, कोई ऋण नहीं है, ना लेना ना देना। देखिए ऋण का दो पार्ट होता है, एक तो किसी को आपको देना पड़ेगा या आपको किसी को देना है, ये दोनों भाग से आप मुक्ति प्राप्त कर लिए तब आपको मोक्ष मिलेगा। इसे हम निर्वाण कहते हैं बुद्धिज्म में, कैवल्य या केवल ज्ञान कहते हैं जैनिज्म में, हिंदुइज्म में मोक्ष, मुक्ति, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और इसका वर्णन बहुत अलग प्रकार का है। भक्ति काल में ये कहा गया कि आप वैकुंठ जाते हो, तो स्वर्ग और वैकुंठ बहुत अलग है। स्वर्ग वह जगह है जहां पे आपके ऋण के हिसाब से आप लोगों को, आपको देना है तो आपकी जिंदगी में इतना धन धान्य संपत्ति आएगा कि आप स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन आप ऋणी, आप अभी तक संसार में अटके हुए हो। लेकिन वैकुंठ ऐसी दुनिया है जहां पे आप मोक्ष प्राप्त कर लिए, आप पूरे ऋण से मुक्त हो गए, लेकिन तभी होता है जब आप दान करते हो। तो और भक्ति काल में ये विश्वास था कि भगवान के ऊपर अगर हम विश्वास रखें तो भगवान हमारी मोक्ष की साधन बन जाएंगे। तो ये मोक्ष की जो बातें हैं वो एंडिंग डेथ में आता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पुस्तक हिंदी में कब आ रही है?
तो अभी हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो टाइम लगता है ये सब बनाने के लिए, पुटिंग इट टुगेदर, बट अभी ये अनुवाद से शुरू हुआ है, प्रॉब्लम है भाषा की, तो अभी होपफुली 3-6 महीने के अंदर आ ही जाएगी, होप नेक्स्ट ईयर तक आना ही चाहिए, लेकिन अभी तो इंग्लिश में है। इंग्लिश में है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप लोगों को सभी को इस किताब को पढ़ना चाहिए, पढ़ना इसलिए भी चाहिए कि जीवन से मृत्यु अलग नहीं है और मृत्यु कोई अंत नहीं है। देवदत्त बार बार इस बात को बताते हैं अपनी व्याख्यानों में, अपनी किताबों में भी, कि आपका जो धर्म है वह सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता का, ज्ञान का। आप ज्ञान से भी मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, आत्मा को माने न माने, अगर यह जीवन है तभी हमें आप सुन पा रहे हैं, हम आप तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किताबों की बात हम बार बार इसलिए करते हैं कि ये ज्ञानवान बनाती हैं और जैसा कि देवदत्त ने भी कहा, आपको मुक्त करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और ऐसे ही आप लिखते रहें और हमारे दर्शकों को कुछ न कुछ नई जानकारियां देते रहें, अपने पाठकों को, अपने प्रशंसकों को लाभान्वित करते रहें अपने ज्ञान से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।